नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की खबर की। सिरफिरे ने युवती पर किया है एसिड अटैक। युवती पर एसिड अटैक किया गया है, पर जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। एसिड अटैक से झुलसी पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। खटिया थाना क्षेत्र के कोठी पुरवा गांव में ये वारदात हुई है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे, सिरफिरे ने युवती पर एसिड अटैक किया है। चेहरे सहित शरीर के कई हिस्से झुलस गए हैं। एसिड अटैक में लड़की बुरी तरह से झुलसी है। सहेलियों के साथ राशन लेकर लौट रही थी पीड़िता जब ये हादसा हुआ है, पर जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और हालत जो है पीड़िता की गंभीर बताई जा रही। और इसी खबर पर अभय कटियार हमारे संवाददाता कन्नौज से जुड़ गए हैं। अभय, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या पुलिस अब तक उसको गिरफ्तार कर पाई है? जी, आपको बता दें कि अभी तक जो लड़का है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं पुलिस, और बराबर जो है छापेमारी चालू है और उस लड़के को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अब है कौन है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और वजह क्या थी, क्या कुछ निकल कर अब तक सामने आ रहा है? आपको बता दें कि एक तरफा प्यार को लेकर ये वारदात हुई है, और ये लड़का उसी गाँव का निवासी है जिस गाँव की लड़की निवासी है। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है उसे पकड़ने की कोशिश में है। शुक्रिया अभय तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, एक तरफा प्यार का ही मामला है जिस वजह से युवक ने एसिड अटैक किया है युवती पर। जो युवती है उसका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। खटिया थाना क्षेत्र के कोठी पुरवा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। कन्नौज का ये मामला है, सिरफिरे युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है, युवती पर एसिड अटैक किया है। पीड़िता बुरी तरह से झुलसी हुई है। सहेलियों के साथ राशन लेकर वापस आ रही थी जब ये घटना हुई है।